गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन वर्ल्ड कप इंडिया में होटल की प्राइसेस कितनी बाय अहमद खान पार्ट टू। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी किया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जल्दी जाके देखना, और आपके रिस्पांस पे ही डिपेंड होता है कि मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी भी या नहीं। तो प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स दो, जितना हो सके लाइक कमेंट से भर दो गाइस। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। हाय हाय यार, आप देखो यार, हम पाकिस्तानियों ने भी क्या किस्मत पाई है। वाह वाह। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक, और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। और जाना कहाँ है? मंडी। ये क्या चक्कर है यार? जहन में ये है, हमारे जा रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएं? हाँ, हमारे देखो ये सिचुएशन पता है कि आप एक सीरियस में मेरे जो बात दिल में है, आप इस बात को मानते हैं कि तेल और सेल लग जाए तो कोई नहीं रुकता? हाँ, मतलब गाड़ी में तेल डल जाए तो वो तेज जाती है, सेल लग जाए तो लोग जाते हैं कि रुक लो। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? कुछ समझ नहीं रहा। मतलब तेल लगाते हैं बालों में? मतलब नहीं, कहने का मतलब ये है कि आप इतना कमा रहे हैं यूट्यूब से तो अभी तक सेल से कपड़े लेते हैं? हाँ, तेल से। क्या वाह। ये बताएं आपके ड्रेसिंग जो है ना, बड़ी अच्छी आर्टिस्टिक होती है, स्टाइलिश है। और ये आपका बिल्कुल कैप बड़ा जबरदस्त है, ये जो आपका जो कैप बड़ा जबरदस्त है, ये 6 ओवर का मैच होता है, ओपनर जो जाता है ना वो ये वाला कैप लगाता है, बहुत जबरदस्त। अच्छा डूड्स भाई, आप इस बात को मानते हैं, बड़ा डिसेंट क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ लड़कियों को ज्यादातर अमीर लड़के पसंद आते हैं और लड़कों को हर सांस लेती हुई लड़की? चाहिए भाई, अभी लड़कों का ये हाल चल रहा है कि बस किसी आवाज भी आ जाए ना पता चल जाए ये लड़की। अरे भाई कुछ लड़के इतने ठरकी होते हैं, दीवार सूंघ के बता देते कि उस पार कितनी लड़कियां हैं दीवार के। मेरा ख्याल ये भी बता देते होंगे कौन सी नहाई हुई कौन सी नहीं है। तो कहते हैं ना कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस, पैसा है, पैसा खुशी खरीद सकता है, और पैसा है तो आप बड़ी अच्छी मोहब्बत कर सकते हो। अभी इस कमरे से आप एसी हटा दो, ठीक है, और आपके साथ एक लड़की बिठा दो, आप दोनों में से किसी एक के साथ, सही है, ठीक है। फिर अगर गर्मी होगी तो आप मोहब्बत नहीं करोगे, आप उसको भगाओगे हेड पे, दूरों गर्मी हो रही है, एसी लगा हुआ होगा ना। वाह 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 वाह, तो आप उसको पास बुला लो। फिर वो कह रही कि आज एसी लगा दिया आपने, अब एसी की तैसी करो। इसका मतलब पता क्या है? और एसी बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, बंदा ठंडा ही ना हो जाए। इसका मतलब पता क्या है? ये शक्कर के होटलों में भी गया और 5 स्टार में भी। ते सारे तुम्हें मतलब एक्सपीरियंस है। मुझे अभी होटल पे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बात सही कि इंसान की पहली मोहब्बत जो होती है वो स्कूल की टीचर होती है और आखिरी मोहब्बत जो होती है वो हॉस्पिटल की नर्स। वाह वाह वाह, इस बात से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल है? ऐसा है, तो हुआ ऐसा है? नहीं, स्कूल में थी लेकिन वो प्रिंसिपल थी, टीचर नहीं थी। अरे प्रिंसिपल क्या बेटा, प्रिंसिपल से मोहब्बत करनी, क्या फीस माफ करवानी थी? क्या करना? दरअसल थी जवान। ओह अच्छा, प्राइवेट स्कूल में होंगे आप? हाँ। अच्छा, मैं समझ गया कौन से स्कूल में आप। मैं समझ गया, मेरे घर के पास ही है ना वो स्कूल। हाँ यार, एक बात आप लोग मानते हैं कि पहले के जमाने में जब हम स्कूल पढ़ते थे तो बड़े बड़े लड़के होते थे मैट्रिक में, 8 में 9 में मैट्रिक में, और आजकल के छोटे छोटे बच्चे मैट्रिक नहीं, उसकी वजह ये थी कि वो क्लास पसंद आ जाती थी ना। हा? मतलब फेल हो जाते थे, 4 साल 5 साल फेल हो गए तो एक ही क्लास में। वो बच्चे बड़े हो जाते थे, दाढ़ियां निकल आती थी, टीचर अंदर आती थी ना तो उनसे पर्दा करती थी। भाई हमारे क्लास में इतने बड़े बड़े लड़के थे मैट्रिक के, स्कूल वालों ने बकायदा मीटिंग की कि ये सब अंडरवियर पहन के आएंगे। आपके स्कूल में शलवार कमीज होता था? नहीं, होती पैंट थी लेकिन वो कपड़ा जींस। अच्छा, उसकी फिलाई कम होती। हाँ, हल्की हल्की सी। यार ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस है, आप उसको पहने, वो पहनने की चीज है। हाँ। अब वो इतना बड़ा बड़ा बच्चा स्कूल में आ गया है, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, वो बहुत बड़ा है, अब टीचर उसको माननी नहीं, एहतरामन नहीं मान रही, वो मेरी नहीं एहतरामन नहीं, छाड़ेबाजी का केस ना हो जाए, मेरी उम्र का हार्ट टच हो रहा है, समझे ना, हमारी तो कल्चर नहीं है ना भाई, और बंदा फील कर रहा है। अच्छा सिचुएशन क्या, जब हम छोटे थे ना तो बड़ों की शादियां हुआ करती थी। हाँ। अब जब हम बड़े हो गए तो छोटों की शादियां हुआ करती है। और हम बड़े उन पे केस चलता रहता है कि छोटों की शादी कर दी, छोटों की शादी कर दी है उन पे। हाँ, ये चलता रहता है। अच्छा मोहब्बत की आपने कितनी देर तक, मोहब्बत हो गई होगी? मतलब कितने टाइम तक आपने रिलेशन निभाया? यार पहली बात है मोहब्बत हुई नहीं, हुई नहीं, आपको नहीं हुई, सामने वाली को नहीं हुई, सामने वाले को नहीं। मेरे ख्याल में धोखा हुआ, मेरे भाई को बताना नहीं चाहिए, लग रहा है इनकी आंखें बता रही है। मैं एक्सप्रेशन की खातों से मेरा घर चलता है। धोखे से मुझे याद आया, अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है जालिम समाज हमें जीने नहीं देगा, चलो दरिया में कूद जाते, दोनों दरिया में कूद गए। बाद में लड़का ऊपर पहुंचा तो उसको फरिश्तों ने बताया, बोला बेटा तेरी वाली तो स्विमिंग चैंपियन थी। ऐसा तो कोई धोखा नहीं हुआ कि आप कूद गए वो नहीं कूदी, या दोनों कूदे तो फिर वो बच गई आप निकल गए? मतलब क्या चीज देखते लड़की में, क्या अट्रैक्ट करता है आपको? यार बस वो दिमाग में वो बता नहीं सकता, लेकिन आंखें बोलूंगा।
जो दिमाग में है वो बता नहीं सकता। उसका नाम आपने आंखें रखा हुआ, आंखें देखते हैं आप कह सकते हैं कि उसकी आंखों में कितनी हया है। हया, वाह। अच्छा, मैंने हमेशा लड़कों के मुंह से सुना मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कभी लड़कियों के मुंह से नहीं सुना मैं बड़ी औरत बनूंगी। मैं ये बोला था, ये बात सच है कि आप इस बात को मानते हैं, खवातीन की बात चल रही है, हमारे सब रिस्पेक्टेबल हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि अच्छी औरतें जन्नत में जाती हैं और बुरी औरतें कहीं भी चली जाती हैं? कहाँ जाती हैं बुरी औरतें? कहाँ जाती हैं बुरी औरतें? पता लगा कभी आपको, कभी अच्छी आ जाती है, मैं परसों यहाँ आऊंगा, कभी आप वहां पहुंचे करो, तुम यहाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कभी किसी लड़की ने, कहने का मतलब है आपसे फ्लर्ट किया कि उसने आपके YouTube के व्यूज देखे और उसने बोला उस्ताद ये 5 लाख से ऊपर की कहानी है, इसके साथ फ्लर्ट करो, ऐसा हुआ? लेकिन वही बात है ना कि व्यूज वगैरह देख के मोहब्बत नहीं होती। वाह 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 वाह, हाय हाय, कभी भी उल्टा आ जाएगी यार। अच्छी बात की वो यार, वो कहते हैं ना कि पसंदीदा शख्स की लापरवाही आपको ज़हनी मरीज बना देती है। वाह वाह यार, लोगों में आप देखो ना, अगर ये मोहब्बत की, ये जो मोहब्बत की अंग उमंग झांकती है ना तो आदमी का दिमाग चलने लगता है। खूबसूरत हुसन आपके साथ बैठा हो तो आपके अंदर आमदें आती है, चलने लगता है। तुम बुलाओगे नहीं किसी फीमेल को, मुझे पता है। ये देखे, मैं ही कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है काश लोग माहिरे ऐसा साथ होते तो माहिरे नफ्सियात की जरूरत नहीं पड़ती। वाह वाह, एहसास मर गया, एहसास मर गया दोस्त। मैं आपको किसी का एहसास नहीं है और किसी को आपका भी एहसास नहीं है, ऐसा नहीं, बस फैमिली फैमिली फैमिली। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है यार। ये मैं आपको बताऊं, आदमी तो फैमिली बनेगी। नहीं नहीं, वो बात की बात, वो बात की बात है। लेकिन हसन, मैं आपको बताऊँ, ये डूक्स अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है। क्या बात, और ये फैमिली मैन है। अच्छी बात। ऐसा होता है ना कि हम यूट्यूबर्स का जब हमारी पेमेंट आती है ना, तो आप यकीन करें हम एक फैमिली का हिस्सा अलग करते हैं। बिल्कुल, वाह 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 वाह, फैमिली का हिस्सा हम लोग अलग करते हैं। हम लोग मतलब हंसते खेलते मुस्कुराते नहीं रहते, टूर वर्ड जो भी होते हैं ये सब एक काफी महीनों की मेहनत होती है। वाह वाह, तो हम सब पहले ये वाला बजट साइड पे करते हैं। बिल्कुल, खास तौर पे आप जो भाई डेली व्लॉगिंग जो आपका काम है घूमना फिरना। नहीं 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 भाई, डेली व्लॉगिंग मैं नहीं करता, रोस्टिंग काम है ना मेरा। डेली व्लॉगर कोई बुरी चीज तो नहीं है? बुरी चीज नहीं है, लेकिन मेरा काम नहीं है भाई डेली व्लॉगिंग, मेरा काम है रोस्टिंग। आपका काम रोस्टिंग है? अच्छा, मुझे बात बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोस्टिंग करते हैं, चलो यार देखिए हम भी अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझे रोस्ट करें, दो लाइनों में कर दें। आपके दिल में बातें हैं, दिल में है, इसके दिल में है, बोल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, एक एक लाइन बोल दे, इन तीनों के बारे में हम जो मुंह में है बोल दो, गाली भी दे दो, कोई इशू नहीं, इशू नहीं है। अहमद भी बड़े फेमस हो गए, आपको पता है? आप हाँ, थैंक यू। तय पी के फिल्म में आए थे, रेडियो के पीछे अच्छा अपनी पसंदीदा चीज बताइए। आप भी पीके में थे गाड़ी के अंदर? मैं ही हिला रहा था, ऊपर आसमान नीचे नहीं, मैं ही हिला रहा था। आप तो सेल वाली गाड़ी नहीं हिला सकते, सेहत तो देख यार, सेहत पे नहीं जाइएगा, सेहत पे नहीं जाइएगा। अच्छा अच्छा, जज्बे पे जाए, जज्बे पे जाए। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, कांग्रेचुलेशंस कि आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही आपने अहमद खान नाम क्यों रखा है चैनल का? हमारा जो ये शो है ना, मैं बताऊँ आपको, ये आपके मुंह की बात नहीं, हमारा जो ये शो ये चाइना में बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। क्यों? अच्छा, असल में छोटी स्क्रीन पर उनको नजर नहीं आता ना, उनकी आंखें छोटी होती है। जो भी मिलता है ना शो के बारे में, तो मजाक है, जो भी मिलता है यकीन करो मैं दिल से कर रहा हूँ, वो ये शो के बारे में एक ही बात कहता है, यार इस शो की लाइटिंग बहुत अच्छी है और कैमरामैन बहुत अच्छा, कैमरामैन बहुत अच्छा। हमें तो सब ये कहते यार आपने वो क्या सुनाया था, वो क्या था, हम तो क्लियर करते करते ही मर गए यार, हम लोग बेइज्जत होने के लिए पैदा है ना। अबे अगर कौन सी कॉमेडी है ना, अगर तुम इतना क्लियर सियासतदानों से करवाते मुल्क आज यहाँ होता, मुल्क साफ हो जाता। देखो मैं कहता हूँ मैच्योरिटी वो नहीं है जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैच्योरिटी वो है जब आप छोटी छोटी बातों को समझना शुरू करते हो। वाह वाह। अच्छा गाली की बात की, आपको सबसे ज्यादा गाली देने में किसको मजा आता है? सबसे ज्यादा गाली देना आप, क्योंकि आपका देखा मैंने आप थोड़ा गालियां भी देते हो, तो वो अपने टिकटॉकर्स यार, टिकटॉकर्स मेरा शदीद नफरत है। मेहनत तो कर रहे हैं यार। नहीं कौन से वाले यार, मेहनत तो गधा भी कर रहा है। भाई ये यार आप फिर गधा बोल रहे हैं टिकटॉक यार। अभी इससे और बुरी चीज आई थी, वो दिमाग में जबान पे नहीं ला सकता आपके शो की वजह से। क्या सीरियसली, मैं आपको, आपने टिकटॉकर को गधा बोला होगा, ठीक है मैं आपको बताऊं भैया, टिकटॉकर्स ना करोड़ों रुपए फेंट रहे टिकटॉक लाइव से। चलो यार ये वो देखो, पैसे फेंटना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो कह रहा है कॉन्टेंट नहीं है ना। एक मिनट एक मिनट, पैसा और भी लोग फेंट रहे हैं। हाँ। इसका नाम मियां खलीफा है। कहने का मकसद ये है कि आने वाले वक्त में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये टिकटॉकर्स एलजीबीटी को सपोर्ट करेंगे। एलजीबीटी मींस
अच्छा लेस्बियन गे मैं हसन मैं आपकी यहाँ पे इस बात की मैं आपको वजाहत करना चाहूंगा आपसे इस बात पे यार देखें टिकटॉकर अब टिकटॉकर रहे नहीं टिकटॉकर पे जो लोग थे ना अब टिकटॉकर पे सिर्फ वही लोग नहीं रहे अब मैं आपको बताऊं जैद अली वो टिकटॉक लाइव काफी सारे लोग आ चुके हैं शाम इदरीस टिकटॉक लाइव पे मैच खेल रहे हैं शाबिर जाफरी टिकटॉक लाइव पे मैच खेल रहे हैं तो वो भी तो अच्छा अहमद वो क्या हिस्सा अच्छा वो यार वो क्या चीज है वो जो टिकटॉक बनाते हैं वो उछल के कूद के आते हैं बड़ी बड़ी शलवारें पहन के रंगीन नाड़े निकल ले होते हैं 14 गज की शलवारें पहनते हैं पता नहीं क्या सीन है 14 गज की 14 गज की शलवारें लेकिन ये बात आप मेरी लिख लें कि ये सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में क्योंकि इनके कंटेंट अभी ये कंटेंट देखने के लिए ना बंदे को जोक समझना पड़ेगा हाँ। कोई 18 साल का होगा वो ही इस जोक को समझ सकेगा 18 के बाद वाले ज्यादातर लेकिन टिकटॉक वीडियो देखने के लिए आपको कुछ समझना नहीं पड़ेगा टिकटॉक आपको खुद कॉन्टेंट दिखाएगा आपको सिर्फ एक टैप करना पड़ेगा आपका शो देखने के लिए लिखना पड़ेगा अहमद खान बरकत उज़्मी आप लोगों को देखने के लिए ये सर्च करना पड़ेगा टिकटॉक में आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा खुद दिखाएगा बस एक फिंगर टैप फिर कुछ खवातीन होती है ना वो कहती है यार यहाँ की सोच गलत है लोग बुरे बुरे कॉमेंट्स करते हैं लेकिन वो फिर वीडियो कैसी बनाती है अब वो गांव देहात की खातून है वो उन कैमरा नीचे से शुरू हो रहा है बाद में उनके मुंह पे आ रहा है और फिर कह रही है कि वो गलत बात भी ना करो कैमरा नीचे से शुरू कर रही है और कह रही है मेरा मुंह हिट नहीं हो रहा मेरा मुंह हिट है मुंह नजर ही नहीं आया तो कैसे हिट होगा जो मुंह तुम दिखा रही हो वो मुंह हर एक का जैसा होता है उस पर सबका मुंह खुलता है उस पर सबका मुंह खुलता है कितनी यार मैं नहीं ये सही बात ये सीरियस बात है सही बात उसके बाद आप कह रही है पाकिस्तानियों की सोच अच्छी नहीं है ये सही बात सही बात नहीं ये बुरा भला कहते हैं इनकी नीयत साफ नहीं है आप नीयत खराब कर रही है भाई देखे मैं वो बुरा दिखा रही इंडिया में तो बंद है वहां पे तो चालू है तो उधर के भी यूट्यूबर्स है जो सबसे ज्यादा टिकटॉक वाली चीज का नफरत करते हैं बट एक चीज मैं आपको बताऊं हाँ तब टिकटॉक को बहुत रोज किया हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया एंड एवरीथिंग बट है ना तब ना एक होता था टिकटॉक स्टार वाली चीज इंडिया में ठीक है एंड उनको मिलने के लिए मीटअप्स होते थे एंड बहुत सारे लोग आया करते थे एंड एवरीथिंग ओके तो वो एक्चुअली एक टिकटॉक स्टार टाइप के कुछ लोग हो चुके थे तब अब आप देखो हम इंडिया में टिकटॉक है नहीं अब यहाँ पे है रील्स अभी आप रील स्टार रखोगे और अगर सोफिया अंसारी या फिर मैं अभी किन के नाम लूँ ऐसे बहुत सारे मैंने इतने सारे रोस्ट पे रिया किया पहले ये सारे रोस्ट बनते थे इनके ऊपर अभी अभी यूट्यूब ने वो कोई पॉलिसीज निकाल दी उनको कोई रोस्ट नहीं कर पा रहा है एंड लिमिटेड एड्स किन किन के चैनल उड़ गए हैं मेरा भी खुद उड़ते उड़ते रह गया था तो इनके मीटअप्स रखोगे तो आप सोचो वो वाला क्राउड और ये वाले क्राउड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा एक चीज है वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं एंड एवरीथिंग देखो ना कोई कोई लोग कहां से कहां पहुंच गए खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस और कहां वेब सीरीज और क्या क्या नाम लूं मैं तो कहां से कहां पहुंच गए बट एटलीस्ट है ना वो टिकटॉक वाले का वो जो क्या हुआ करता था मैंने बोला टिकटॉक स्टार ठीक है तो उनको जो मीटअप्स होते थे तो कुछ लोग ऐसे मिलने आते थे जो जेन्युइनली उनके इस तरीके के फैन हुआ करते थे ओ माय गॉड पागलों जैसे बट अभी रील्स पे क्या हुआ है वो वैसा बचा ही नहीं है मतलब अब इनके फैंस मतलब क्या देखने आएंगे क्या करेंगे ऐसे टाइप का लगने लगाने का मुझे उसने बोला ना पैसे तो मियां खलीफा भी कमाती है माँ कसम शांत एकदम मुंह बंद अब मेरे को पता नहीं टिकटॉक पे क्या चालू है पाकिस्तानी लोगों का कंटेंट भी क्या चालू है क्या नहीं बट आप अगर देखोगे लाइफ बिफोर कोविड एंड लाइफ आफ्टर कोविड भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुका है बिफोर कोविड है ना ऐसे वीडियोज या ऐसे चीजें डालने से पहले लोग लाखों बार सोचेंगे बट आफ्टर कोविड बहुत सी चीजें चेंज हो चुकी है नहीं आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस बाकी परत मियां लेट्स बाय।